कुख्यात ड्रग तस्कर तस्लीम के मकान की कुड़की के बाद पुलिस ने आज उसकी फरार पत्नी के नाम पर बना 50 लाख की कीमत का घर आज कुर्क कर लिया। ड्रग तस्कर तस्लीम का ये घर मेरठ के संवेदनशील मछरान में स्थित है। कुड़की की कार्रवाई से पहले पूरे मछरान को छावनी में तब्दील कर दिया। उसके बाद अधिकारियों ने कुड़की की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने कुड़की की ये कार्रवाई आज लगातार दूसरे दिन की है। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने ड्रग तस्कर के 1.5 करोड़ के मकान पर कुड़की की कार्रवाई की थी। पुलिस ने आज भी ड्रग तस्कर तस्लीम पर आज एक्शन जारी रखा। तस्लीम मेरठ ही नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चरस, गांजा, अफीम, स्मैक और हेरोइन का सिंडिकेट चलाता था। उसने इसी सिंडिकेट से ये अवैध संपत्ति अर्जित की थी। बता दें कि ड्रग तस्कर इस समय जेल में बंद है, जबकि उसकी पत्नी नसीम बानो और बेटा शादाब फरार चल रहे हैं। तस्लीम की पत्नी नसीम बानो और बेटे शादाब की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बता दें कि ड्रग तस्कर तस्लीम का नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस ने उस पर शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद बुधवार को उसकी संपत्ति कुर्क की थी। ड्रग माफिया तस्लीम के ऊपर लगातार आज दूसरे दिन भी सख्त कार्रवाई की गई, जो कि 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। आइए हम बात कर लेते हैं जांच अधिकारी से। जांच अधिकारी से बात करेंगे और जानेंगे तस्लीम किस तरीके का व्यक्ति था और किस तरीके से नशे का धंधे का कारोबार उनने संभाल रखा था। सर ये बताइए कि तस्लीम के ऊपर कितने मुकदमे हैं और आज कार्रवाई की है, क्या हो रहा है, क्या इतिहास? तस्लीम के ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं और उसका मुख्य धंधा है ये ड्रग्स, जिसमें स्मैक है, गांजा है, इस तरह के जो पदार्थ हैं उनका वो करता है, जिसमें उसकी पत्नी भी इन्वॉल्व है, उसके बच्चे भी हैं, उसके दामाद भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये अभी से नहीं है, बहुत समय पहले से करता चला आ रहा है। इसकी पहले भी वीडियो वायरल होती रही हैं और उसका मुख्य पेशा यही है। सर तस्लीम की जांच आपको मिली और पूरी मेहनत लगी, कल भी आपने शानदार गार्डन में एक मकान को कुर्क किया है और आज भी कार्रवाई की है, किस तरीके से पूरी मेहनत की है आपने? ये पहले तो ये गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया, वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन हमको मिली है। इसमें 4 मुलजिम जेल में हैं, 2 मुलजिम उनकी पत्नी और एक बेटा फरार है, जिसके लिए भी हमने कुर्की की कार्रवाई उनकी की थी और वो फरार चल रहे हैं। इनाम के लिए भी रिपोर्ट उसके लिए गई हुई है। और इनकी यहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है तो उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे संज्ञान में आई थी एविडेंस कलेक्शन करते हुए, उसका प्रपोजल बना करके भेजा गया तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क करने का आदेश किया गया है। वो संपत्तियाँ कुर्क हो गई हैं और संपत्तियों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। अच्छा सर एक चीज़ बताइएगा, तस्लीम से जो साथ जुड़े हुए जो बुर्गे हैं जो अब भी इस धंधे से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर पुलिस का शिकंजा रहेगा? हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी जो इनके जो साथी सहयोगी हैं पुलिस की, उस पर भी सतर्क दृष्टि है। क्योंकि ये तो इसकी, मैं गैंगस्टर की विवेचना कर रहा हूँ, हमारी रेलवे रोड पुलिस है और जो अगल बगल के थानों में जहाँ भी इसके अभियोग पंजीकृत हैं वो पुलिस पूरा इन पर नज़र रखे हुए है और जैसे भी जो भी अगर कुछ मिलेगा तो कार्रवाई करेगी। देखिए हमने जो बात की है लाल कुर्ती इंस्पेक्टर अतः सिंह से, इन्होंने पूरा मामला बताया किस तरीके से कुख्यात ये तस्लीम तस्कर जो कि ड्रग्स का माफिया, सुल्फा माफिया और जो कि काले धंधों से लिप्त था। बिल्कुल बता दें कि स्कूल के छात्र छात्राएं रोज वहां पर ड्रग्स लेने जाते थे और वहां पर कोई बताता नहीं था इस तरीके का कारोबार। पुलिस किस तरीके से उस बंदे के पास, उस अपराधी के पास पहुंची है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। मेरठ से आशीष प्रेमी, जय भीम टीवी।